मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज है संडे और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से। आज है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे क्योंकि आज है मेरे दोनों बच्चों का मुंडन और सुबह से सभी लोग उसी तैयारी में लगे हुए हैं। सभी ने नहा लिया है और खाने पीने की तैयारी चल रही है। पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग कहीं बाहर जाकर बच्चों का मुंडन करेंगे, बट ऐसा कुछ हमारा प्लान बन नहीं पाया। कभी कुछ हो जा रहा था, तो इस वजह से हम लोग घर पर ही कर रहे हैं बच्चों का मुंडन। तो अभी घर में बहुत सारे काम बचे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, सब मिल बांट कर काम कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से काम कर लेते हैं। तो जहाँ एक तरफ मैं पूरे घर में पोछा लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मेघा किचन में आटा गूंद रही थी और सभी लोग कुछ ना कुछ कामों में अपने लगे हुए थे। और मुंडन के लिए हमने एक भैया को घर पर ही बुला रखा है और हमने उन्हें एक टाइम भी दे रखा है। तो हमने सोचा क्यों ना उनके आने से पहले हम घर के सारे काम निपटा लें। और अब मैंने पोछा लगा लिया है, उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ मैं कर रही हूँ छोले बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है और मम्मी यहाँ पर उड़द की दाल पीस रही हैं क्योंकि आज के दिन यहाँ पर उड़द की दाल के बड़ बनते हैं और पूड़ी वगैरह बनती है। उड़द की दाल के बड़ बनाने के लिए हमें इसे रात भर भिगा के रखना पड़ता है, जो कि हमने कल रात इसे भिगा के रख लिए थे। और मेघा बना रही है यहाँ पर भोग के लिए सूखा प्रसाद, जो कि आटे का बनाया जाता है। और अब यहाँ पर मेघा बना रही है पूड़ियाँ और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ छोले। और अभी हम लोग सिर्फ मंदिर के लिए पूड़ी बनाएंगे क्योंकि बाल काटने वाले भैया भी आने वाले हैं। तो हमने सोचा कि अभी इसे मंदिर के लिए बना लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग गर्मा गर्म पूड़ियाँ सबको खिलाएंगे। और अब पूड़ियों के बाद यहाँ पर उड़द के बड़ बनाए जा रहे हैं और हमारे यहाँ ये तीज त्योहारों में और शुभ कार्यों में बनाए जाते हैं और जो कि खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो अब बाल काटने वाले भैया भी आ चुके हैं, तो मम्मी ने यहाँ पर टीका छुआर लिया है और मम्मी यहाँ पर सभी लोगों को टीका लगा रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले टीका लगाया जाता है, देन उसके बाद ही कोई शुभ कार्य शुरू किया जाता है। और अब मम्मी ने लगभग सभी लोगों को टीका लगा दिया है और बच्चे भी अब यहाँ पर आ गए हैं टीका लगवाने के लिए। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी तो ये लोग ऐसे लग रहे हैं बालों के साथ, लेकिन जब इनके बाल कट जाएंगे तब ये कैसे लगेंगे। और अब हमारा यहाँ पर दूसरा हीरो भी आ चुका है टीका लगवाने के लिए, वो भी साइकिल के साथ आया, मतलब साइकिल से तो वो उतर ही नहीं रहा है टीका लगवाने के लिए भी। और अब यहाँ पर हमारी गुड़िया को भी टीका लग रहा है, बट कितना ज़्यादा रो रही है ये। हमारे बच्चों का तो आज मुंडन है बट अगले दिन ही हमारी गुड़िया का भी मुंडन हो जाएगा। हमने तो ये सोचा था कि हम तीनों बच्चों का साथ में ही मुंडन करेंगे, पर पंडित जी बोल रहे थे कि एक ही परिवार के तीन बच्चों का एक साथ मुंडन नहीं होता है, इसलिए हमने गुड़िया का मुंडन अगले दिन रखा है। और यहाँ पर बैठे हैं बाल काटने वाले भैया और लवी को मैं लेकर आ चुकी हूँ, लेकिन सबसे पहले बड़े बेटे का होगा इसलिए सबसे पहले यहाँ पर मुंडन होगा लक्ष्य का। बट लक्ष्य यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया वो। मैं तो ऐसा सोच रही थी कि कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान ना करें बाल उतारने में, क्योंकि बच्चे कभी कभी बहुत रोते भी हैं और बाल उतारने में दिक्कत भी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को हाथ में कुछ चीज़ वगैरह दे देंगे ताकि बच्चों का मन लगा रहे। और अब यहाँ पर हमारा लक्ष्य भी आ गया है, उसे लॉलीपॉप दे दिया है हाथ में और बच्चों के बाल में इस थाली में उतरवाऊंगी। और इस थाली में हमने कुछ फूल वगैरह भी रखे हैं क्योंकि खाली थाली नहीं रखते हैं। और अब यहाँ पर बाल उतरने शुरू हो चुके हैं। वैसे तो बाल उतारते समय यहाँ पर बहनें पकड़ती हैं थाली को, बट यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए हमने सिर्फ हाथ उसका टच करवा दिया क्योंकि वो अभी प्रॉपर बैठ भी नहीं पाती है।
अब यहाँ पर लक्ष्य के पूरी तरीके से बाल उतर चुके हैं और बिल्कुल भी लक्ष्य ने परेशान नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं रोए ना डरे ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो काफी सही रहा। देखो और अब बारी है मेरे छोटे बेटे लवी की। तो लक्ष्य ने तो परेशान नहीं किया, तो मे बी अब ये भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब एक बच्चा रोता है तो उसे देखकर दूसरा भी डर जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो भी रोने लग जाता है। तो जब लक्ष्य नहीं रोया तो अब लवी भी नहीं रोएगा। दोनों बच्चों के मुंडन के बाद हमने दोनों को नहला दिया है और उन्हें पहना दिए हैं नए कपड़े। और ये कुर्ता मेघा ने सिलाया है बच्चों के लिए, और इसके साथ का पैजामा नहीं बन पाया था, इसलिए मैंने इन लोगों को जीन्स पहना दी। तो अभी यहाँ पे चल रही है फोटो सेशन वगैरह बच्चों के साथ। बच्चों को नए कुर्ते वगैरह पहना दिए हैं। यहाँ पर रवि मम्मी पापा फोटो खिंचा रहे हैं। पूजा इतना बड़ा मुंह खोल रहा है। मम्मा खिलाएंगी। नहीं देते, वैसे भी बैठते हैं। नहीं देते तो भी बैठे।
पहले मंत्र बोल, पहले मंत्र बोल जा। मैं जूस बना के ला रहा हूँ, चल चल तू मंत्र बोल।